लाल घोड़े लाल घोड़ों जोड़ा, रेड हॉर्सेस का जोड़ा। रेड हॉर्सेस किस लिए होते हैं? पहली बात तो हॉर्स किस लिए होते हैं? हॉर्स के अंदर एक उत्तेजना होती है, एक स्पीड होती है, एक एंथुजियाज्म होता है। घोड़े के अंदर बहुत पावर होती है, घोड़े के अंदर बहुत एनर्जी होती है। लाल घोड़े के अंदर एक फायर वाली एनर्जी हुई, फायर वाली। तो जो फायर वाली एनर्जी हुई वो एक एक स्टेडली फ्लो ऑफ वेल्थ एंड नेम एंड फेम की ओर दर्शाती है। किसी चीज की वेल्थ और नेम फेम को साथ लेके चलना, उस फ्लो को साथ लेके चलना, कन्वर्ट करना, उस फ्लो को दर्शाती है। और क्विक क्विक कन्वर्जन के लिए लाल घोड़े का जोड़ा साउथ में रखने से वो फायर एनर्जी बढ़ती है, उसके अंदर तेजी आ जाती है घोड़े वाली, इसलिए घोड़े को रखा जाता है वहां पे। और उसका जो मुंह होता है, मैंने हमेशा बताया सबका मुंह हमेशा ब्रह्मस्थान की तरफ करके रखें, ठीक है? तो लाल घोड़े का जोड़ा साउथ के अंदर अगर हम रखें, इसको हम वॉल पे रख सकते हैं, वॉल पे रख सकते हैं, इसको हम फ्लोर पे भी रख सकते हैं इसको। और इसका जो फेस होगा वो साउथ, हमेशा जो सेंटर की तरफ ही आएगा। इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो मंगल और चंद्रमा, चंद्रमा है फास्टेस्ट मूविंग, मंगल है लाल रंग वहां पे, घोड़े की आग, ठीक है? फायर एंड वाटर इसका एलिमेंट होगा। अगर लाल रंग के जोड़े जोड़े जो है साउथ में रखें, तो एक ग्रीन कलर का मनी प्लांट, एक ग्रीन कलर का मनी प्लांट ये नॉर्थ में जरूर लगाए। ग्रीन कलर का मनी प्लांट नॉर्थ में, ग्रीन कलर की बॉटल में पानी वाला, ग्रीन कलर की बॉटल, सॉरी ब्लू कलर की बॉटल में पानी वाला। आई रिपीट, ग्रीन कलर का मनी प्लांट ब्लू कलर की बॉटल में पानी वाला जरूर लगाएं नॉर्थ में। उस केस में आप नॉर्थ में ये लगाएंगे आप N4 पे, साउथ में आप ये लगाएंगे S4 पे। साउथ में आप लगाएंगे S4 पे, नॉर्थ लगाएंगे N4 पे। ये बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर लगने चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर, ताकि जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो अपॉर्चुनिटी वहां से कन्वर्ट होकर आपको वेल्थ एंड नेम एंड फेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक? राइट, ये दिस इज टू हेल्प टू जनरेट मनी। ना इसी तरीके से एक और एमिनिटी होती है 12 घोड़े वाली। 12 घोड़े रेड हॉर्सेस वाले होते हैं, रेड कलर के हॉर्सेस, लाल रंग के 12 घोड़ों का एक एक पूरा स्टेचू आता है, सेटअप आता है। इसमें क्या होता है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? जो 2 घोड़े हैं वो वाले इंसान घर पे लगा सकता है, जो 12 घोड़े वाला सेटअप है उसको इंसान को अपने किसी कॉमर्शियल वेबसाइट में लगाना चाहिए, क्योंकि 12 घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की मार्केटिंग, कंपनी की ब्रांडिंग, कंपनी का सेटअप, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? इट हेल्प्स टू जनरेट एंड बिल्ड दी गुडविल, इट हेल्प्स टू जनरेट दी मार्केट वैल्यू, ब्रांड बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको उसको बिल्ड करने में हमें ये सहायता करती है। तो इसको हम अपने एस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि अपने व्यवसाय स्थान पर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा। जो लोग घर से ऑपरेट करते हैं तो वो घर पे लगाते हैं, या अपने ऑफिस का अलग से ग्रेडिंग करके उसमें लगा सकते हैं, राइट? और इसका जो इसको भी हम फ्लोर पे लगा सकते हैं या वॉल पे लगा सकते हैं। नॉर्थ की तरफ फेसिंग करेंगे तो सेंटर की तरफ फेसिंग अपने आप आ जाएगी, सेंटर की तरफ फेसिंग करके रखना है। मंगल और चंद्रमा इसका प्लैनेट होता है, इसका भी फायर वाटर को ये भी रिप्रेजेंट करेगा सेम। जब ये लगाएं, जब 12 12 घोड़े वाला 12 लाल रंग की घोड़े वाला आप प्रतिमा लगाएं, तो साथ में वेस्ट में एक चेसबोर्ड भी जरूर रखें। तो जब भी ये लगाएं, ये बहुत पावरफुल है, इसका एक चीज का ध्यान रखना, जब ये लगाएंगे तो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों के N4 एनर्जाइज करना कंपलसरी है। ये S4 पे लगेगा, अभी मैंने बताया, देखो S4 पे एक ही चीज लगी, या तो 2 घोड़े या 12 घोड़े, ऐसा मत करना कि दोनों घोड़े पहन लिए वहां पे, ऐसा मत करना। तो 2 घोड़े या 12 घोड़े दोनों से एक चीज लगाई, मान लो आपने 12 घोड़े लगाए, तो 12 घोड़े जो एनर्जी जनरेट करेंगे उसके साथ साउथ के साथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ये चारों दर्शन करें। अब नॉर्थ में क्या कर सकते हैं, ईस्ट में तो मैंने ओके लेट्स गो वन बाय वन। वेस्ट में आपको चेसबोर्ड लगाएं, उस केस में वेस्ट में आप चेसबोर्ड लगाएं वेस्ट में। ईस्ट में आप इंद्रदेव की प्रतिमा लगाएं, जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे चेसबोर्ड का डिफरेंस हुआ, चेंज हुआ, पहले वाला चेसबोर्ड नॉर्थ में था, इस वाले केस में चेसबोर्ड वेस्ट में जा रहा है, ध्यान रखना आप। तो मैंने बोला चेस को वेस्ट में लगाएं, इंद्रदेव की प्रतिमा को ईस्ट में लगाएं, और नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर की बॉटल में अभी जो फ्लावर की हमने रेमेडी की थी मनी प्लांट की, मनी प्लांट लगाएं नॉर्थ में, ब्लू कलर की बॉटल में पानी वाला मनी प्लांट। ये तीनों, ये चारों चीज को इकट्ठा करना होगा अगर आप ये वाली रेमेडी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है?